अभी शुरू कर दो, अभी काट दो, अब शुरू कर दो। हाँ अब शुरू कर दो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर मैंने आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताया था और उसके बाद मैंने ये बताया था कि लाइट की अगर वेलोसिटी इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हुआ। कैसे फेल हुआ एक बार फिर ये देख लीजिए। सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन ऑब्जर्वर है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक दूसरा फ्रेम है, दूसरा ऑब्जर्वर है, दूसरा फ्रेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा ऑब्जर्वर है वो कहीं पीछे से चलता हुआ आ रहा है, पीछे से चलता हुआ आ रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है, केवल मैंने आपको इसलिए ऐसा बताया जिससे कि जहां से टाइम मेजरमेंट स्टार्ट करे वहां से उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो, इस बात को समझने के लिए हम इसको पीछे से चला देते हैं। मान लिया एस डैश, एस फ्रेम तो रुका हुआ है और एस डैश फ्रेम जो आ रहा है वो वी वेलोसिटी से आ रहा है। अब देखिए जरा, पास भी करेगा वाई डैश, एस डैश, जेड डैश, ओ डैश, ये वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। सिचुएशन मैंने पहले भी बताई हुई है, ये फ्रेम है, फ्रेम का नाम एस है, स्टेशनरी रहेगा, दूसरा फ्रेम पीछे से चलता हुआ आ रहा है। टी बराबर जीरो पर ओ डैश ओ को कोइंसाइड करेगा, मतलब एस डैश एस को कोइंसाइड करेगा। ठीक उसी समय एक लाइट का सिग्नल फ्लैश किया गया, लाइट का सिग्नल जो फ्लैश किया गया वो ओ से फ्लैश किया गया, लेकिन एट टी इक्वल्स जीरो जब लाइट का सिग्नल फ्लैश किया गया है तो ओ डैश भी ओ पर है। इसका मतलब दोनों ऑब्जर्वर एक्सपीरियंस करेंगे कि हमने लाइट सिग्नल को फ्लैश किया है। अब देखिए क्या सिचुएशन है, एस फ्रेम जहां था वहीं, एस डैश फ्रेम वी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, जबकि लाइट का सिग्नल डायोगनली ऐसे मूव करेगा। तो पर्टिकुलर आफ्टर टाइम टी, सपोज क्लॉक या जो भी टाइम मेजरिंग डिवाइस है उस पे टाइम हो गया टी और सिग्नल पहुंचा पी पर, कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी। कोऑर्डिनेट्स क्या है पी पॉइंट के, एक्स वाई जेड और टी विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो देखिए ध्यान से क्या सिचुएशन है, ओ सिग्नल यहां पर, ये ओपी डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल करी गई, ये टाइम टी क्लॉक से मेजर किया गया। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए ये सारा का सारा मेजरमेंट किसने किया, ओ ने। क्लॉक कहां है, एस फ्रेम पर ही क्लॉक लगी हुई है, लेकिन सिग्नल कहां है, सिग्नल डायोगनली ऐसे मूव कर रहा है। अब देखिए ओ डैश आगे बढ़ गया है, एट द सेम इंस्टेंट जिस इंस्टेंट पर ओ ने कहा टी टाइम हो गया है उसी इंस्टेंट पर ओ डैश ने कहा कि क्लॉक में टी डैश टाइम है। लेकिन याद रखेंगे वो क्लॉक एस डैश फ्रेम में नहीं है, वो क्लॉक एस फ्रेम में है। ओ डैश को क्या लगेगा, सिग्नल कितनी दूर गया है, ओ डैश को लगेगा सिग्नल ओ डैश पी डिस्टेंस गया हुआ है, क्लियर। और ओ डैश ने जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मेजर किया एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए हमने इंस्टेंट को रोक लिया, यानी अब हम उसी इंस्टेंट पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए जब इंस्टेंट पर रोका तो क्या हुआ, अब सिग्नल पी पर है,
पी मान लिया सपोज फिक्स है, हालांकि पी तो वेरिएबल है, लेकिन सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया सपोज पी यहां पर है, उसको इधर उधर नहीं करेंगे। ओपी डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगी बराबर सी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, मैंने आपको बताया था सी वेलोसिटी से, और ये भी है सी वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी ने हमसे पूछा था इसलिए हम यहां पर भी एक्सप्लेन करते हैं। इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट रिलेटिव मोशन को फॉलो करती है, यह बात फेल हो गई थी। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट है, माइकलसन एंड मॉर्ले दो अलग अलग लोग हैं, उन्होंने यह बताया था कि लाइट की वेलोसिटी रिलेटिव मोशन में होती है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है वो सी वेलोसिटी से जा रहा है लाइट की वेलोसिटी से, एक ऑब्जर्वर है वो वी वेलोसिटी से जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो ऑब्जर्वर को लाइट की वेलोसिटी सी माइनस वी मालूम देगी या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सी माइनस वी मालूम देगी। एक ऑब्जेक्ट है वो सी वेलोसिटी से जा रहा है, एक ऑब्जर्वर है वो वी वेलोसिटी से जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर को लाइट की वेलोसिटी सी प्लस वी मालूम देगी रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग, सी माइनस वी सी प्लस वी। लेकिन बाद में ये पता चला उस एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट आया उसमें नेगेटिव रिजल्ट आया, नेगेटिव रिजल्ट का मतलब जो हमारे कॉन्सेप्ट के अपोजिट था, तो उससे बाद में ये पता चला कि सी माइनस वी सी प्लस वी इस तरह की वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। रिलेटिव मोशन दो ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट के लिए फॉलो करता है, लेकिन इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता। लाइट की वेलोसिटी सी, ओ भी सी मेजर करेगा और ओ डैस भी सी मेजर करेगा। देखिए क्या हुआ, ओ यहां हुआ, ओ तो कहीं जाएगा नहीं, ओपी डिस्टेंस, मगर ओ डैस तो आगे बढ़ गया, ओ डैस यहां पर, ओ डैस पी डिस्टेंस, ओ को लगेगा कि सिग्नल ओपी डिस्टेंस गया है, ओ डैस को लगेगा कि सिग्नल ओ डैस पी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दोनों को हमने आपको अलग अलग बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर जीरो आया था, याद करिए, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर जीरो, ये दूसरा आया था, ये विद रिस्पेक्ट टू एस था, ये विद रिस्पेक्ट टू एस डैश है। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ओ है, विद रिस्पेक्ट टू ओ डैस है, ओ और ओ डैस ही ऑब्जर्वर हैं, या ऑब्जर्वर को हमने एज एन ओरिजिन इन बोथ द केसेस कंसीडर किया हुआ है। इसके बाद दोनों जीरो हैं, दोनों बराबर होने चाहिए, एक्स डैस स्क्वायर प्लस वाई डैस स्क्वायर प्लस जेड डैस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैस स्क्वायर इक्वस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए ये देखा जाए तो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, इस पूरे की वैल्यू जीरो है विद रिस्पेक्ट टू ओ, जीरो है विद रिस्पेक्ट टू ओ डैस, दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर हैं तो हम ये कहेंगे कि ये फैक्टर इनवेरिएंट लॉ को फॉलो करता है, अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये इनवेरिएंट लॉ को फॉलो नहीं करता है। जब आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा तो एक्स डैश की जगह एक्स माइनस बी टी रखा, ऑब्वियस है एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस बी टी, वाई डैश की वैल्यू क्या होगी, वाई, जेड डैश की वैल्यू क्या होगी, जेड, टी डैश की वैल्यू टी, और जब आपने रखा ये ऊपर थोड़ा सा हट गया है, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी, तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। गैलीलियो ने क्या बताया कि टाइम रिलेटिव नहीं होता, मतलब ओ अगर घड़ी हमारी एस फ्रेम में लगी हुई है तो ओ ने भी कहा टी टाइम हो गया, ओ डैस ने भी कहा कि टी टाइम हो गया, तो कुल मिलाकर टी डैस टाइम जो होगा जो ओ डैस मेजर करेगा वो एक्चुअल में टी के बराबर होगा। जबकि एक तरीके से आप ये भी सोच सकते हैं स्टॉप वॉच है, स्टॉप क्लॉक है, स्टार्ट हुआ ओ डैस ओ को कोइंसाइड कर रहा था, टी बराबर जीरो, टी डैस बराबर, फिर ओ डैस आगे निकल गया आफ्टर सम टाइम से 5 मिनट्स, इसने भी कहा 5 मिनट हो गए, इसने भी कहा 5 मिनट हो गए, तो ऐसा गैलीलियो ने बताया और ऐसा हमें सही भी लगता है, इसमें कोई ऐसी
एरर मालूम नहीं देती, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी होगा, ये भी सही मालूम देता है। लेकिन जब हमने इसको सब्सटीट्यूट किया तो एक एडिशनल टर्म आ गया, बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू बी एक्स टी, विच इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्लियर है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए ये इस फैक्टर के लिए इनवेरिएंट लॉ फॉलो नहीं किया करा रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और जब ये बराबर नहीं आया तो मैंने बताया था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो इनवेरिएंट लॉ है उसको फॉलो नहीं करता रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लॉरेंज ने उसमें मॉडिफिकेशन किया। लॉरेंज ने क्या बताया, क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है, हेडिंग है लॉरेंजेस ट्रांसफॉर्मेशंस। यहां से आपकी मॉडर्न थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट होती है। इसमें कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए जो सरप्राइजिंग भी थे, लेकिन वो बाद में है। अभी तो फिलहाल लॉरेंजेस ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, लॉरेंज ने ये कहा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल्योर हुआ है, इनवेरिएंट लॉ फॉलो नहीं करता रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब बहुत हाई वेलोसिटी के लिए हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को किसी क्वेश्चन में किसी प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लॉरेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन का। है क्या, उन्होंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफिकेशन किया, उन्होंने कहा कि एक्स डैश बराबर एक्स माइनस VT, ये किसने बताया था, गैलीलियो ने, x डैश बराबर x माइनस VT, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z, t डैश बराबर t, ये था आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि अगर ये सही होता तो x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t डैश स्क्वायर बराबर होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर के। लेकिन वो बराबर नहीं आया, जब हमने इसको अप्लाई करा तो एक एडिशनल टर्म लेफ्ट हैंड साइड में इंट्रोड्यूस हो गया, और जो कि नेसेसरली जीरो नहीं है। तो अल्टीमेटली जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हुआ, ध्यान से देखिए इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन पहले बना हुआ है, चेक बाद में किया गया। चेक कहां पर किया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर एक फैक्टर है, दो लोग मेजर कर रहे हैं, ओ मेजर कर रहा है, ओ डैश मेजर कर रहा है, दोनों के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू जीरो बराबर आनी चाहिए थी, लेकिन वो बराबर नहीं आई। अब देखिए लॉरेंज ने क्या किया, लॉरेंज ने केवल और केवल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा कि अगर ये बात सही होती तो 100% इनवेरिएंट लॉ फॉलो करता, अचर रहने का नियम फॉलो करता, लेकिन फॉलो नहीं किया तो हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो। उन्होंने कहा कि अगर मिस्टेक है, एरर है, तो उस एरर को दूर करने के लिए सपोज गामा इंट्रोड्यूस किया, गामा अननोन है, गामा अननोन कांस्टेंट है। उन्होंने कहा कि अगर x माइनस बी टी सही होता तो इनवेरिएंट ला फॉलो करता, लेकिन वो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, और वो मॉडिफिकेशन उन्होंने क्या किया, गामा। अब देखिए जरा, एक फ्रेम S, दूसरा फ्रेम S डैश, ओवरलैप कर गया, टाइम मेजरमेंट स्टार्ट जीरो, T बराबर जीरो, T डैश बराबर जीरो, इसके बाद ये आगे निकल जाएगा। X डैश, अब देखिए सिग्नल लाइट का ये है P पॉइंट, अब आप सिग्नल को छोड़िए P पॉइंट पर कंसंट्रेट करिए, P पॉइंट X Y Z और T बराबर जीरो पर X डैश Y डैश जेड डैश दोनों सेम, एक्स डैश बराबर एक्स है, वाई डैश बराबर वाई है, जेड डैश बराबर जेड है, टी डैश बराबर जीरो है, टी बराबर भी जीरो। इसके बाद देखिए, इसके बाद वो आगे निकल गया, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ओ ने कहा टी टाइम है, ओ डैश ने कहा टी डैश टाइम है, कौन सा कोऑर्डिनेट आपको वेरी करता हुआ मालूम दे रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट। अंडरस्टूड है कि अगर मोशन ऑफ एस डैश फ्रेम बी अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये कंफर्म है कि वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ना वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं ना जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं, केवल और केवल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली ये बात लॉरेंज ने भी मानी कि अगर एक्स एक्सिस पर एस डैश फ्रेम का मोशन है
तो y और z कोऑर्डिनेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मॉडिफिकेशन की जरूरत तो इसमें है। सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा कंसीडरेशन लॉरेंज ने क्या बताया, टी डैश बराबर टी। उन्होंने कहा कि टी बराबर जीरो वो टाइम था जब ओ डैश और वो कोइंसाइड कर रहे थे, नंबर एक। नंबर दो, जो क्लॉक है, जो टाइम मेजरिंग डिवाइस है, वो एस फ्रेम के साथ है, एस डैश फ्रेम के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कुछ देर के बाद, जैसे 5 मिनट के बाद, जैसे 5 घंटे के बाद, एस डैश कहेगा कुछ और, एस कहेगा कुछ और। प्रॉपर कौन नापेगा? प्रॉपर वो नापेगा कि जिसके साथ में घड़ी है। घड़ी किसके साथ में है? एस फ्रेम के साथ में। तो उन्होंने कहा यह कहेगा 5 घंटे हो गए। ये पॉसिबल है, उन्होंने ऐसा बोला कि ये पॉसिबल है कि ओ डैश को वो 5 घंटे से कम या ज्यादा, मतलब डिफर करता हुआ मालूम पड़े, ये पॉसिबल है। अभी तो प्रूवमेंट में तो कुछ आया नहीं, तो अभी तो केवल पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। मतलब पहली बार एक सेंटेंस, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ इन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि टाइम भी रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब ओ के रिस्पेक्ट में टाइम का मेजरमेंट टी है, ओ डैश के रिस्पेक्ट में टाइम का मेजरमेंट टी डैश है, सच दैट एस डैश बी मूव्ड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी वी अलोंग एक्स एक्सिस। तो उन्होंने ये मॉडिफिकेशन कंसीडर किया। तो जब कंसीडर किया तो इसमें मॉडिफिकेशन क्या किया, अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन ऑफ एस डैश अलोंग एक्स एक्सिस। उन्होंने कहा सपोज इतने फैक्टर का चेंज आया है टी डैश, टी मेजरमेंट में और टी डैश मेजर, टी मेजर किया है ओ ने और टी डैश मेजर किया है किसने, ओ डैश ने। तो उन्होंने कहा कि ये चेंज आया, साथ में गामा, यहां पर भी एक अननोन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया तो गामा आया, यानी कुल मिलाकर के गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने मॉडिफाई किया। लेकिन दो बातें, जो वाई एक्स एक्सिस पर अगर मोशन है तो वाई और जेड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात गैलीलियो ने भी बताई, ये बात लॉरेंज ने भी बताई कि ये बात सही है कि वाई और जेड पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक्स एक्सिस पर फर्क पड़ेगा। और टाइम, सबसे पहली बार ये आया कि टाइम भी रिलेटिव हो सकता है। रिलेटिव मतलब हम मेजर करें, कोई दूसरा मेजर करे, टाइम में अंतर, टाइम इंटरवल। चलो टाइम को किसकी फॉर्म में नाप रहे हैं, इंटरवल की फॉर्म में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो के बाद 5 मिनट हो गया तो ये इंटरवल ऑफ टाइम तो है। तो इंटरवल ऑफ टाइम टी है, इंटरवल ऑफ टाइम टी डैश है, ऐसा ओ डैश ने मेजर किया, ओ ने मेजर किया, लेकिन इंस्टेंट सेम है। जीरो जब टी ने कहा तभी टी डैश ने कहा, इसके बाद आफ्टर सम टाइम ओ ने कहा टी टाइम हो गया, ओ डैश ने कहा टी डैश टाइम हो गया, जबकि क्लॉक जो टाइम मेजरिंग डिवाइस है वो एस फ्रेम के साथ है। तो ये मॉडिफिकेशन किसने कंसीडर किया, लॉरेंज ने। क्लियर? अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज, लॉरेंज ने ऐसा बताया, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके फेल होने की गुंजाइश नहीं है। रीजन, गामा मालूम नहीं है, अल्फा मालूम नहीं है। अब देखिए, अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही सही है, भले ही वो इनवेरियंट लॉ रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम पर दोनों साइड जीरो थी, ओ के रिस्पेक्ट में, ओ डैश के रिस्पेक्ट में बराबर नहीं हो पाया, जब हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया तो वो दोनों साइड बराबर नहीं आई, एक एडिशनल टर्म वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू वी एक्स टी इंट्रोड्यूस हो गया। अब गैलीलियो के पास चांस नहीं था, इसमें क्या है, गामा अननोन, अल्फा अननोन, जब तक इनकी वैल्यूज नहीं आ जाएंगी तब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरियंट लॉ फॉलो करेगा नहीं करेगा ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, फेल होने का भी चांस नहीं है। अब देखिए क्या हुआ, गामा अननोन अल्फा अननोन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन फाइनल नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन को फाइनल करना है। तो ऐसा कंसीडर करा, इसको आप रफ, मैं रफ कर दूं, आप हो सकता है लिख चुके हो ज्यादा अच्छा। दूसरी प्रॉब्लम भी है, एक तो वो जो लाइट की वेलोसिटी वाला मैंने बताया, तो माइकलसन मॉरले एक्सपेरिमेंट भी आपके सिलेबस में थोड़ा बाद में बताएंगे, इसी चैप्टर में है, लेकिन इसमें आ जाइए। लिखने की प्रॉब्लम जहां तक है तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, कॉपी पेन जरूर रखिए, लेकिन जरूरी नहीं कि एक एक लाइन पहले से ही नोट करें, दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, पॉज करके
उसको पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ा दीजिए, तो कुल मिला करके आप 3-4 बार में भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा सा इधर ये लॉकडाउन की वजह से PDF बनाने में दिक्कत आ रही है, तो जैसे ही होगा तो हम उसको आपको दे देंगे। नोट्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझ में हर चीज़ आनी चाहिए। अभी तक जो हो चुका है वो ये है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले एक हेडिंग है, फिर दो तरह का होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। उसके एग्जांपल्स, जो अर्थ है वो नॉन इनर्शियल है क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम है, लेकिन उसको हमने यूनिफॉर्म स्टेशनरी माना हुआ है और वो इनर्शियल। इसके बाद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉड की लेंथ इनवेरियंट रहती है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद इनवेरियंट लॉ रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए फेल हो गया। अब अगला क्वेश्चन है लॉरेंजस ट्रांसफॉर्मेशन, तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज क्या करा गया, मॉडिफिकेशन डेवलप किया गया, गामा अननोन, गामा एंड अल्फा अननोन, टाइम रिलेटिव होता है, टाइम किसी के रिलेटिव नापा जाता है, ये पहली बार यूज हुआ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये है भी कि नहीं ये देखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही सही है, सपोज गामा की वैल्यू 1 आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी, उससे क्या होगा, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर टी आ जाए। यानी कुल मिलाकर के लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में ये गुंजाइश है कि अल्फा की वैल्यू और गामा की वैल्यू हम निकालें, और इस तरह से निकालें कि जिस रीजन से, जिस कारण से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हुआ है, वो कारण यहां पर खत्म हो जाए। किस कारण से फेल हुआ है, अब देखिए किस कारण से फेल हुआ है, अकॉर्डिंग टू इनवेरिएंट लॉ रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर, लाइट की वेलोसिटी के रिगार्डिंग जो इनवेरिएंट लॉ है, अकॉर्डिंग टू इनवेरिएंट लॉ रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट कॉमा एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। क्लियर, ऐसा होना चाहिए। ये ओ डैश मेजर कर रहा है और ये ओ मेजर कर रहा है। अब क्या करें, जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो दोनों साइड बराबर नहीं आई, तभी तो फेल हुआ। अब हम क्या करें, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करें। अब देखिए क्या अंतर क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फाइनल था, चेक करना था, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फाइनल नहीं है, चेक नहीं करना है। मतलब हमें इसको ये नहीं देखना है कि दोनों साइड बराबर हैं या नहीं है, हमें इसको फोर्सफुल्ली क्या करना है, बराबर कराना है, ताकि इनवेरिएंट लॉ 100% सेटिस्फाई करे। ये सेटिस्फाई कर जाना चाहिए, तो हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे सच दैट गामा और अल्फा की वैल्यूज अपने आप निकल आएंगे। देखिए क्या हुआ, एक्स डैश की जगह ये वैल्यू रख देंगे, वाई डैश और जेड डैश ध्यान से अगर देखें तो वाई और जेड के बराबर है, अगर हम यहां पर समझ चुके हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों के कॉन्सेप्ट में कॉमन था, वाई डैश वाई के बराबर, जेड डैश जेड के बराबर, ये दोनों में कॉमन था, गैलीलियो में भी और लॉरेंज में भी। एक्स डैश क्या रखें, एक्स माइनस बी टी होल स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर, एक्स माइनस बी टी होल स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, बताइए क्या रखें, गामा स्क्वायर टी प्लस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए, क्योंकि देखिए गामा और अल्फा नोन है तो ये बराबर आएंगे नहीं, बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखिए अगर ये दोनों साइड बराबर हो गई तो इनवेरिएंट लॉ फॉलो कर गया, मतलब जिस रीजन से, जिस कारण से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल्योर हुआ था, वो कारण, वो रीजन यहां पर गायब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये दोनों साइड आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। क्या करें, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करें, यहां पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब यूज किया तब तो
फेल्योर हो गया क्योंकि दोनों साइड बराबर नहीं आई। अब देखिए जरा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक्स स्क्वायर, अब देखिए दोनों साइड में सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू वी एक्स टी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, गामा स्क्वायर बाहर, इसमें भी वही होगा, टी स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एल्फा एक्स टी, कुल मिलाकर के तीनों टर्म माइनस, एक्स स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर आएगा, टू एक्स टी आएगा, दोनों में क्या करें कोफिशियंट अलग अलग करें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ढूंढे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर है केवल गामा स्क्वायर, गामा स्क्वायर यहां एक्स स्क्वायर गामा स्क्वायर, इस वाले में आ जाइए, इस वाले में एक्स स्क्वायर एल्फा स्क्वायर है, गामा स्क्वायर सी स्क्वायर, गामा स्क्वायर पहले से बाहर है, माइनस यानी कुल मिलाकर के वन माइनस एल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको फिर से एक बार देख लीजिए, एक्स स्क्वायर गामा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट दोनों को ओपन करने के बाद ये आएगा। इसके बाद आ जाइए टी स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का कोफिशियंट बिकॉज राइट में माइनस में है, हम लेफ्ट में भी माइनस में ले लें ना भी ले लें तो उसको माइनस के फॉर्म में बाद में इक्वेट करेंगे तुलना करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी पहले से ही लेकर के चले माइनस का टी स्क्वायर, माइनस का टी स्क्वायर। अब देखिए अगर माइनस का टी स्क्वायर लिखते हैं तो क्या आएगा, माइनस का टी स्क्वायर लिखते हैं तो ये वाला बिकॉज प्लस में था तो इसको हम माइनस में अंदर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बाद में, टी स्क्वायर सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये माइनस में है तो सी स्क्वायर आएगा, माइनस का वी स्क्वायर आएगा, गामा स्क्वायर आएगा, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो कुल मिलाकर के ये कंफर्म है कि एक्स स्क्वायर वन माइनस एल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये जो है बैटरी बैटरी बैक क्या कर रहे हैं इसमें, तो चल रहा होगा, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर वन माइनस एल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर गामा स्क्वायर बाहर माइनस टी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गामा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ में गामा स्क्वायर था, एल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर इस वाले में था, टी स्क्वायर के साथ में हो गया, इसके बाद टू एक्स टी भी एक टर्म है, हालांकि उसको ना भी लिखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी टू एक्स टी भी एक टर्म है, इसमें भी है और इसमें भी है तो उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए, एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर तो हो गया, देखिए टू एक्स टी, टू एक्स टी के साथ में यहां पर है वी गामा स्क्वायर, वो भी माइनस का, तो प्लस का टू एक्स टी, टू एक्स टी और इसके साथ में है पहला, प्लस का टू एक्स टी, प्लस का करने के बजाय अगर माइनस का कर दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, माइनस का टू एक्स टी, क्योंकि दोनों में माइनस में ही आएगा, देखिए माइनस का टू एक्स टी आएगा तो वी आएगा गामा स्क्वायर आएगा, गामा स्क्वायर सब में बाहर रखा है, गामा स्क्वायर बाहर, गामा स्क्वायर को हमने क्या किया है बाहर किया। अब देखिए जरा टू एक्स टी, टू एक्स टी गामा स्क्वायर, इसके बाद वी, वी प्लस इस वाले से प्लस इसमें आ जाइए टू एक्स टी में, टू एक्स टी एल्फा सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो प्लस में कितना आया एल्फा सी स्क्वायर, इज दैट क्लियर, प्लस में कैसे आया ये भी माइनस में, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दोनों से माइनस आया है टू एक्स टी, इसलिए आपने माइनस बाहर लेकर के दोनों को प्लस कर। अब देखिए लेफ्ट साइड तो हो गई, राइट साइड ये सारा का सारा बराबर होना चाहिए किसके, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर के, एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड।
इज दैट क्लियर? देखिए एक्सिस, ये समझ में आ गया होगा, एक्स स्क्वायर दोनों में, टी स्क्वायर दोनों में, 2xt दोनों में, मैंने इकट्ठा कर लिया एक्स स्क्वायर एक साथ दोनों का, टी स्क्वायर एक साथ दोनों का, 2xt दोनों का एक साथ, राइट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड में अगर दोनों साइड बराबर हैं, बराबर होना भी चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं आए थे तभी तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हुआ था, तो यहां पर हर हाल में दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, उसके लिए क्या करें, सीधा सीधा फैक्टर है इक्वेटिंग द कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा टी स्क्वायर एंड 2xt इन बोथ द साइड्स। क्या मैंने लिखा, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर और 2xt उनको कंपेयर करने पर, अब देखिए कोफिशियंट्स कंपेयर करने पर एक्स स्क्वायर कोफिशियंट 1 है, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट ये है, अगर दोनों साइड बराबर होनी है तो ये जरूरी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो 1 है वो इतने के बराबर होना चाहिए, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर गामा स्क्वायर बराबर 1 होना चाहिए या नहीं। इससे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट 1, एक्स स्क्वायर एज ए होल कोफिशियंट 1, माइनस टी स्क्वायर का कोफिशियंट सी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर का कोफिशियंट ये, साथ में गामा स्क्वायर भी है, क्या करें इक्वेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी स्क्वायर राइट में बराबर गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद देखिए तीसरा कोफिशियंट टू एक्स टी का कोफिशियंट ना कह करके हम एक्स टी का कोफिशियंट कहें तो ज्यादा अच्छा रहता है, 2xt v प्लस अल्फा सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, 2xt गायब है मतलब राइट में है ही नहीं, तो कुल मिलाकर के लेफ्ट में जो xt का कोफिशियंट है, xt का कोफिशियंट लेफ्ट में क्या है, 2 है v प्लस अल्फा सी स्क्वायर गामा स्क्वायर बराबर राइट में कितना है 0, क्योंकि राइट में xt है नहीं, अगर हम राइट में xt लिखें तो क्या लिख सकते हैं, जैसा साइन लेना चाहे ले सकते हैं, माइनस xt इंटू 0, यहां क्या लिख सकते हैं माइनस xt इंटू 0, यानी यहां xt का कोफिशियंट 0 है और यहां xt का कोफिशियंट, हालांकि 2xt का भी कोफिशियंट ले सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो हमने 0 कर दिया। इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5। अब देखिए इससे आ जाएंगे गामा और अल्फा की वैल्यूज और वो वैल्यूज हम ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फाइनल हो जाएगा। अब देखिए क्या है, दोबारा हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, पहले तो फाइनल था नहीं, जब फाइनल हो गया दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि इनवेरिएंट लॉ फॉलो कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा, अंडरस्टूड है कि इनवेरिएंट लॉ फॉलो कर रहा होगा, क्यों, इनवेरिएंट लॉ को फॉलो करा करके ही आप ये 3 इक्वेशन निकाल रहे हैं। इक्वेट करने का मतलब क्या है, अब देखिए क्या सिचुएशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 सेम, टी स्क्वायर का कोफिशियंट विद नेगेटिव साइन दिस 1 सी स्क्वायर के बराबर सेम, एक्स टी का कोफिशियंट लेफ्ट में, एक्स टी का कोफिशियंट राइट में सेम, तो जब सारे कोफिशियंट सेम है, टर्म्स सेम है, तो अल्टीमेटली दोनों साइड कैसी हो गई बराबर, ये अंडरस्टूड है, मतलब इनवेरिएंट लॉ बाद में चेक ही नहीं करना पड़ा और वो फॉलो कर गया। तो कुल मिलाकर के अब गामा और अल्फा की वैल्यूज निकालें, तो देखिए गामा और अल्फा की वैल्यूज क्या आएंगे, गामा और अल्फा की वैल्यूज निकालने के लिए देखिए 2 अननोन है, इक्वेशन 3 है, 2 इक्वेशन के लिए, 2 अननोन के लिए हमें 2 ही इक्वेशन की जरूरत थी लेकिन वो 3 हो गई, तो चलिए कोई बात नहीं। इसमें क्या है, एक ही इक्वेशन में 2 अननोन है, गामा भी है अल्फा भी है, इसमें गामा है केवल,
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक इक्वेशन से दो अननोन तो निकल नहीं आएंगे, और ये नॉर्मल सी इक्वेशन तो है नहीं कि 2x plus 3y plus 4z बराबर 7 और फिर इसके बाद एक्स वाई जेड की दो इक्वेशन और दी हैं तो आपने डायरेक्टली उसको किसी बहुत छोटे मेथड से सॉल्व कर लिया। तो यहाँ तो स्क्वायर के फॉर्म में है, यहाँ पर दोनों मल्टीप्लीकेशन के ऑर्डर में है यहाँ, लेकिन ये एक फ़ायदा है यहाँ पर अलग अलग है। पहले गामा की वैल्यू तो बहुत क्लियर है कि फोर्थ इक्वेशन से निकल आएगी। फोर्थ इक्वेशन से देखिए गामा की वैल्यू क्या आएगी, गामा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। गामा स्क्वायर गामा बराबर डायरेक्ट ले लिख लें उसमें कोई बोली, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन, कैसे, सी स्क्वायर से डिवाइड किया, जब आपने सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो आ गया वन अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, रूट ले लिया तो गामा की वैल्यू आ गई वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सिक्स, एक तो ये इक्वेशन नहीं है याद रखेंगे, ये एक रिजल्ट है, एक वैल्यू है गामा बराबर इतना। अब ये वाली इक्वेशन देख ले, या एक तरीका ये भी है कि गामा की वैल्यू यहां रख दें तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन एक बड़ा कैलकुलेशन अननेसेसरी, तो कुल मिलाकर के इसको देख लीजिए, टू वी प्लस अल्फा सी स्क्वायर गामा स्क्वायर बाहर बराबर जीरो, गामा जीरो तो आया नहीं है, तो अल्टीमेटली गामा अगर जीरो नहीं आया तो ये टू जीरो हो नहीं सकता, तो ये ब्रैकेट किसके बराबर हुआ, जीरो के बराबर। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस इक्वेशन को देखें फाइव से, तो वी प्लस एल्फा इंटू सी स्क्वायर बराबर जीरो, वी प्लस एल्फा सी स्क्वायर अगर जीरो है इंप्लाइज दैट एल्फा बराबर क्या आ गया, माइनस का वी अपॉन सी स्क्वायर सेवन। इक्वेशन नंबर दरअसल जो जो रिजल्ट होते जाते हैं उनको डालते जाते हैं, कहीं कुछ नंबरिंग में इधर उधर हो तो आप उसको खुद चेक कर लीजिएगा, कहीं नंबर टू थ्री फोर फाइव जैसे मैंने लिखा है तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हुआ हो। सिक्स सेवन गामा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, और ये गामा और अल्फा की वो वैल्यूज हैं जिनका यूज अगर हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में करें तो आपका लॉरेंज का ट्रांसफॉर्मेशन फाइनल हो जाएगा। नंबर एक, नंबर दो, दोबारा ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि इनवेरिएंट ला फॉलो कर रहा है कि नहीं रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट, अंडर स्टूडे फॉलो कर रहा होगा क्योंकि आपने फॉलो करा करके ही गामा और अल्फा की वैल्यू निकाली, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। गैलीलियन में भी बराबर होना चाहिए था लेकिन वो बराबर नहीं आया जब आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। लॉरेंज ने जो ट्रांसफॉर्मेशन बनाया वो पहली लाइन से फाइनल नहीं था, हमने इनवेरिएंट लॉ को फोर्सफुली सेटिस्फाई कराया और इस तरह से कराया कि कोफिशियंट्स इक्वेट कर दिए, उससे गामा और अल्फा की वैल्यूज आ गई, ये गामा और अल्फा की वैल्यूज हम उस ट्रांसफॉर्मेशन में सब्सटीट्यूट कर दें। तो जब गामा और अल्फा की वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, गामा और अल्फा की वैल्यू अगर ट्रांसफॉर्मेशन में सब्सटीट्यूट की जाए तो देखिए क्या आ जाएगा, सो द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस बिकम क्या हो जाएगा, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी था, एक्स माइनस बी टी ये किसने बताया था, गैलीलियो ने, और ये बहुत सही भी मालूम दे रहा था, बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स बताए, लखनऊ 80 किलोमीटर दूर है इस टाइप से लेकर के, एक कार अगर 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है टुवर्ड्स द लखनऊ स्टेशन अलोंग एक्स एक्सिस सपोज, तो आफ्टर वन आवर तो 50 किलोमीटर बचेगा ही, 50 बराबर 80 माइनस 30 इंटू 1, तो सीधा सीधा इसमें कहीं कोई मिस्टेक या एरर तो मालूम ही नहीं दे रही, लेकिन फिर भी बहुत हाई वेलोसिटी के लिए इन कंपेरिजन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इस तरह का कॉन्सेप्ट फेल्योर हुआ, इनवेरिएंट लॉ फॉलो नहीं किया, बाद में लॉरेंज ने मॉडिफिकेशन किया, एक्स माइनस बी टी इंटू गामा और गामा आया इतना, तो गामा जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है, ना कि केवल एक्स माइनस बी टी अकॉर्डिंग टू लॉरेंज। अब इसके बाद देखिए y डैश और z डैश, ये बात कॉमन थी कि y डैश और z डैश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोशन ऑफ s डैश फ्रेम इज अलोंग x एक्सिस,
और जब x एक्सिस पर मोशन होगा तो y और z कोऑर्डिनेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। y डैश बराबर y, z डैश बराबर z। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन रिजल्ट एक तरीके से, और वो एक सरप्राइजिंग रिजल्ट भी था, t डैश बराबर गैलीलियो के अकॉर्डिंग टाइम रिलेटिविटी को फॉलो नहीं करता। हमने मेजर किया या किसी दूसरे ने मेजर किया, भले ही टाइम मेजरिंग डिवाइस एक ही हो, लेकिन दोनों के द्वारा नापा गया टाइम, टाइम इंटरवल सेम होता है। लेकिन लॉरेंज के कॉन्सेप्ट में ये आया कि टी डैश बराबर टी प्लस अल्फा एक्स था, टी प्लस अल्फा एक्स, गामा बाहर, अल्फा माइनस में आया, तो टी क्या बन जाएगा यहां पर माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है ये, टी डैश बराबर टी प्लस अल्फा एक्स लिखा हुआ है, इंटू गामा, इंटू गामा, तो गामा तो वन अपॉन है, अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टी डैश बराबर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी टाइम भी रिलेटिविटी को फॉलो करता है, रिलेटिविटी रूल्स को फॉलो करता है। एक ही इंस्टेंट पर दोनों ने टाइम का मेजरमेंट किया है, टी बराबर जीरो से स्टार्ट किया है, लेकिन आफ्टर सम टाइम टी ओ कह रहा है कि टी टाइम हो गया, ओ डैश जो चल रहा है वो कह रहा है टी डैश टाइम हो गया, और दोनों के द्वारा टाइम मेजरमेंट अलग अलग है, टी डैश बराबर टी नहीं है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर 6, 7, 8, ये आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है। इज दैट क्लियर? लास्ट टर्म पर जिस रीजन से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेलियोर हुआ था, उस रीजन को यहां पर एलिमिनेट कर दिया गया, गायब कर दिया गया, उसी जिस कारण से फेल हुआ था कि लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं आई थी, इनवेरिएंट लॉ फॉलो नहीं कर रहा था, हम बराबर लेकर के ही चलते हैं, गामा और अल्फा की वैल्यूज को निकालते हैं, और उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। जितना सरप्राइजिंग ये नहीं था, ये तो एक करेक्शन है एक तरीके का, उससे कहीं ज्यादा सरप्राइजिंग ये था, टी डैश बराबर टी आने के बजाय टी डैश बराबर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन एक क्वेश्चन जो अक्सर आता है तो उसको भी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में आप नोट कर लीजिए। क्या है इसमें कहा जाता है, शो दैट, प्रदर्शित करिए कि, प्रूव करिए कि, शो दैट ए फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, शो दैट ए फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंजेस ट्रांसफॉर्मेशंस, शो दैट ए फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंजेस ट्रांसफॉर्मेशंस। सिंपल क्वेश्चन है, अभी अभी आप प्रूव कर चुके हो, इनवेरिएंट ही तो लेकर के आपने रिजल्ट फाइनल किया है, तो जब आप इनवेरिएंट शो करोगे तो ये तो पहले से अंडरस्टूड है कि ये पर्टिकुलर जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो इनवेरिएंट लॉ को फॉलो करेगा, क्योंकि फॉलो करके ही तो आपने इसको निकाला है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए अभी से, लेकिन आप सॉल्व करके खुद देखेंगे क्या आंसर है, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। सॉल्यूशन, वी हैव टू प्रूव दैट हमें यह सिद्ध करना है कि, अब सवाल है क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है इनवेरिएंट। देखिए इनवेरिएंट रहने का मतलब रिलेटिविटी में बिल्कुल क्लियर है, दो लोग चेक करें किसी फैक्टर को, किसी वैल्यू को,
किसी ऑब्जर्वेशन को और सेम आए तो हम कहते हैं इनवेरिएंट लॉ, अचर रहने का नियम। ये एक फैक्टर है, इसका मतलब कंफर्म है दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, ये फैक्टर ओ चेक करता है, ये फैक्टर ओ डैश चेक करता है, कह रहे हैं सिद्ध करिए कि सेम होगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू एस। ऐसे क्वेश्चन के सोल्यूशन को लिखते समय फिगर भी बना देते हैं, जैसे ये बना हुआ है पहले से ही, लेकिन इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर आंसर में भी इसको लिखने के बाद भी बना सकते हैं, पहले भी बना सकते हैं, प्रूव करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेकर के ही तो आपने ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश निकाला है लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन, तो जब आप चेक करेंगे तो कौन सा डिफरेंट आ जाएगा, तो देखिए क्या करेंगे, यूजिंग लॉरेंजेस ट्रांसफॉर्मेशंस, लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने पर एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश बराबर वाई जेड डैश बराबर जेड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टी डैश बराबर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अभी समझिए दोबारा ये बात आप समझ लीजिए ऑनलाइन में कि पहले देख लिया समझ में आ गया, उसके बाद आप बाद में भी रफ कॉपी में एक बार चेक कर सकते हैं कि ऐसा है या नहीं, कहीं पर कोई चीज़ दोबारा समझनी है तीसरी बार समझनी है तो भी ये तो फायदा है ही है कम से कम, अदरवाइज तो क्लास में क्या होता था कि मैंने बोला निकल गया, तो अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो आप अल्टीमेटली बाद में पूछ रहे हैं, यहाँ तो आप बाद में देख भी सकते हैं। क्लियर, तो ये हम यूज़ करें, लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात है हमें आंसर पहले से मालूम है, इसलिए गलत होने का चांस नहीं कि आप चेक कर रहे हैं कि इनवेरिएंट लॉ फॉलो करें, इनवेरिएंट लॉ फॉलो करा करके ही आपने ये निकाला है, ये कोई अलग से नहीं निकाला, तो अंडरस्टूड है कि आंसर 100% आएगा, लेकिन वो आप सॉल्व करके ही पूरा देखेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप अनसॉल्व लेंगे चेक करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन हर अल्टरनेट ईयर में मिल जाएगा, सेक्शन ए में, बी में तो नहीं है सेक्शन ए में। तो इसलिए अब देखिए एक्स डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, वाई डैश जेड डैश ध्यान से देखिए तो कैंसिल हो जाएंगे पहली बार में ही, एक्स डैश स्क्वायर मतलब इतने का स्क्वायर, टी डैश स्क्वायर मतलब इतने का स्क्वायर, सी स्क्वायर साथ में, अगर ध्यान से देखें तो ये तो कट जाएगा, आपको ये साइड नहीं लेनी है, आप केवल लेफ्ट हैंड साइड, इंप्लाइज दैट एलएचएस इक्वस, पता चला आप बार बार ये मैंने कई कॉपी में देखा है कि बार बार ये भी लिखते रहते हैं ये भी, अरे वो तो प्रूफ करना है ना एक तरीके से देखा जाए, तो हमें नहीं मालूम कि ये बराबर होगा कि नहीं, यानी कि हम बराबर है या नहीं इसको चेक कर रहे हैं ऐसा मान लीजिए, अदरवाइज चेक तो कर चुके पहले ही, लेकिन फिर भी तो अब हम केवल लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वाई डैश की जगह वाई लिखेंगे, जेड डैश की जगह जेड लिखेंगे, एक्स डैश की जगह ये लिखेंगे, टी डैश की जगह ये लिखेंगे, वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ध्यान से देखो तो दोनों में कॉमन आ जाएगा बाहर स्क्वायर में, अंडर रूट खत्म। इसके बाद जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, देखो एक चीज और, y डैश की जगह y और z डैश की जगह z, जब आप रखेंगे तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ जाएगा, उसको बार बार अलग ही रखते रहिए LHS सॉल्व करते समय, क्यों, क्योंकि राइट साइड जो लानी है उसमें y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तो पहली बार में ही आ जाएगा, सॉल्व केवल ये और ये करना है, और ये जब सॉल्व करोगे तो केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, अंडरस्टूड है, और ये आप खुद करेंगे, और अगर इन केस नहीं आता है तो आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको बताएंगे भी अगले टर्न पर कि अगर किसी को नहीं आया, अगर आ जाता है तो सभी लोग मुझे ये बताएं कि हाँ आ गया है, ठीक है, यही काम है दरअसल, इसी तरीके से चल सकता है तो आप, लेकिन हम आपको हिंट कर दें कैसे करेंगे, जैसे ही एक्स डैश की जगह ये रखेंगे और टी डैश की जगह ये रखेंगे वैसे ही वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कहाँ आ जाएगा कॉमन, उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो अलग रखिए, कर्ली ब्रैकेट बनाइए, एक्स डैश स्क्वायर मतलब एक्स माइनस बी टी का होल स्क्वायर बचेगा, और सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर में क्या बचेगा, सी स्क्वायर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर,
सी स्क्वायर को अंदर ले जाइए, ओपन कर दीजिए, कुछ टर्म कट जाएंगे, बाकी टर्म बाहर वाले से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पहली लाइन में ही आ चुका है, वो आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो करेंगे सब लोग। इसके आगे फिर हम आपको एप्लीकेशंस ऑफ लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये हम आपको नेक्स्ट टाइम देंगे। क्लियर है? इतना ठीक है, फिर इतना रखिए, बाकी थैंक यू।